Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Hey guys, welcome back to our channel. और आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नीर वाटरफॉल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है ऋषिकेश का। वाटरफॉल के लिए हमें ऊपर ट्रैक करके जाना होता है, जो कि अराउंड 800 मीटर्स होता है। और इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग वाटरफॉल्स आते रहते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट वाला टॉप पे होता है। और हम लोग टॉप तक जा रहे हैं। अब हम उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और अब हम लक्ष्मण झूला क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से नीर वाटरफॉल अराउंड 5 to 6 किलोमीटर से रहता है। तो यहाँ पे हमें नीर वाटरफॉल के लिए टिकट्स लेने पड़ते हैं, जो कि 30 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अब यहाँ से टिकट्स चेक कराने के बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और पार्किंग वगैरह का कोई इशू नहीं है, आप रोड के साइड में ही अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। तो ये आता है यहाँ का पहला वाटरफॉल, जहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं और वो इससे आगे नहीं जाते, बट हम सबसे टॉप वाले पे भी जाएंगे। और अब हम पहले वाले वाटरफॉल से आगे जा रहे हैं और रास्ता आप देख ही सकते हैं कैसा है यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हैं। और ये ट्रैक के बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें मैगी और चाय के स्टॉल्स भी दिख जाते हैं। और हम ये भैया के पास मैगी और चाय का ब्रेक लेते हैं। और ये इनके पास नेचुरल फ्रिज भी है, जो ये वाटरफॉल से ही कलेक्ट करते हैं पानी। और ये पानी जो आता है ये ग्लेशियर से आता है, तो बहुत ठंडा रहता है ये। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं नीर वाटरफॉल के टॉप पे और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो
तो अब हम यहाँ पे एंजॉय करते हुए और इसी के साथ डे वन एंड होता है और मिलते हैं अगले व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।